जी हाँ दोस्तों, आपको अनलिमिटेड शायरी की कैटेगरी मिल जाएगी, वो भी फ्री में। दोस्तों, आप चाहे तो अपनी खुद की शायरी कोई लिख के अपने फ़ोटो पर बनाना चाहते हो तो वो भी आसानी से कर सकते हो। आप चाहे तो कोई भी कैटेगरी की फ्री में दोस्तों आपको यहाँ बहुत सारी शायरी मिल जाएगी, वो चाहे तो वो सिलेक्ट करके अपने फ़ोटो पे सेव कर सकते हो। दोस्तों, आप चाहे तो अपनी GIF के या किसी और के या किसी बैकग्राउंड पे जहाँ भी चाहे दोस्तों, आप वहाँ शायरी आसानी से सेव करके अपने फ़ोन गैलरी में रख सकते हो और कहीं भी पोस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, ना ही के दो तीन एप्लीकेशन, और ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करना पड़ती है। तो सबसे पहले इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। और मेरा नाम रफ़ीक, आप ही के अपने चैनल आर्ट टेक्निकल इंडियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों इसको एक लाइक कर दीजिए। जो न्यू भाई है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दो। इसके लिए दोस्तों जो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो वीडियो के एंड में बता दूंगा आपको कहाँ से इंस्टॉल करना है। फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो परमिशन मांगेगा, उसको अलाउ कर देना या स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देना। स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यह आपको बहुत सारी कैटेगरीज के बैकग्राउंड मिल जाएंगे। कोई भी एक बैकग्राउंड को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आप चाहे तो इस पर भी अगर कोई शायरी लिखना चाहते हो तो यह आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप अपने तरफ से खुद की शायरी लिख सकते हो। और आप चाहे तो यह आपको देखिए बहुत सारी कैटेगरीज वगैरह, फॉन्ट चेंज वगैरह की सभी मिल जाएगी। आप चाहे तो ये देखिए आपको फ्री में एक कीबोर्ड भी मिल जाता है, इस कीबोर्ड से आप इसी इमेज पर जो है शायरी लिख सकते हो। और आप चाहते हो दोस्तों कि आपके फ़ोटो पर आप जो है अलग अलग कैटेगरी के, जैसे कि लव शायरी वगैरह जो भी, तो दोस्तों वो भी आसानी से कर सकते हो। उसके लिए आपको या जाना है फ़ोन गैलरी के ऊपर क्लिक करना है, या गैलरी है इस पर क्लिक करना है, या आपके फ़ोन गैलरी में आपको लेके चलिएगा दोस्तों। उसके बाद अपने फ़ोन गैलरी में से कोई भी एक फ़ोटो को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर राइट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर ये देख लीजिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ से आप देखिए बहुत सारी शायरी है दोस्तों, लव शायरी, रोमांटिक शायरी, सैड शायरी, फ्रेंड शायरी, बेवफाई शायरी, फ़नी शायरी, बहुत सारी शायरी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। जुदाई शायरी, मॉर्निंग शायरी, नाइट शायरी। तो दोस्तों हम यहाँ से ले लेते लव शायरी। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए शायरी कितनी सारी आपको मिल जाएगी दोस्तों, बहुत सारी, ये देख लीजिए। आप जितना ये करोगे दोस्तों उतना नीचे तक आपको यह देखने को मिलेगी। तो चलो यहाँ से हम कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए ग्रीन, इसमें जो कॉपी का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है आपको, ज़्यादा कोई मेहनत की बात नहीं है। और ये देख लीजिए यहाँ से आप जो है फॉन्ट जो है आपके वो भी चेंज कर सकते हैं, जो फॉन्ट होते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं, ये देख लीजिए। तो इस तरह से अपने जो शायरी के फॉन्ट्स यहाँ से चेंज कर सकते हो आप आसानी से। तो ये देख लीजिए दोस्तों, तो मैं ये वाला रखता हूँ। उसके बाद जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपकी शायरी पे आप कौन से कलर का मतलब फॉन्ट देना चाहते हो तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर लीजिए, उसको ओके कर लीजिए। अब ओके करने के बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है आप इसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 3D में आप चाहे तो देखिए यहाँ से आपको फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन मिलता है तो आप यहाँ से जो है आपकी जो लिखा हुआ जो टेक्स्ट है, जो शायरी है, उसको यहाँ से अलग अलग इसमें कर सकते हो, डबल कर सकते हो, जैसा चाहे वैसा 3D लुक दे सकते हो। लेकिन मुझे ये करना नहीं है इसलिए मैं यहाँ से ये कट कर देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे जो राइट का ऑप्शन देख रहे हैं सिर्फ आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप क्लिक करने के बाद ये देख लीजिए आपकी ये शायरी यहाँ से फ्री वाली आ गई है दोस्तों। तो आप इसको जहाँ चाहे वहाँ इसको सेट कर दीजिए। अब सेट करने के बाद दोस्तों इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, जैसा चाहे वैसा आप इसको रख सकते हो। तो चलो मैं इसको यहाँ से इस तरह से रख देता हूँ, आप आराम से बनाकर आराम से लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हो जो थर्ड नंबर का, फोर्थ नंबर का ऑप्शन या देख रहे हो स्टिकर का, तो यहाँ बहुत सारे आपको स्टिकर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, या इमोजी से, रो से, उसके बाद दोस्तों आई मिस यू, बहुत सारे आपको यहाँ से मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ से आई लव यू वगैरह, सब आप लाके आपके जो आप चाहे वहाँ इसको लगा सकते हो दोस्तों। आप आराम से करोगे तो बहुत अच्छा सा ये दिखाई देगा दोस्तों। वो सब करने के बाद आप चाहते हो और एक शायरी लगाना, वापस से आप जाकर और एक शायरी ला सकते हो और एक शायरी लगा सकते हो। उसके बाद आपका काम दोस्तों यह ख़त्म हो गया। आपको जो ऊपर सेव का ऑप्शन दिखता है सिर्फ आपको उस पर जैसे ही क्लिक कर, तो ये देख लीजिए आपको यहाँ से जो है यहाँ से शेयर का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप फेसबुक पर शेयर करना चाहते हो, या ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, या फिर मोर पर, या अगर आप या क्लिक करोगे तो मोर पर।
यानी फिर आप देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप चाहते हो कि आपके जो है ये फ़ोन में सेव रहे तो ये सेव हो जाएगी। आप चाहे तो इसको शेयर भी कर सकते हो दोस्तों, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से दोस्तों इसका काम है। तो चलते हैं, अभी हम मैं बता देता हूँ आपको कि ये आपको जो है इंस्टॉल कहाँ से करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ आपको दोस्तों ध्यान से देख लीजिए आपको क्या सर्च करना है। फोटो पर शायरी लिखे, बस आपको इतना सर्च करना है। तो ये देख लीजिए तीसरे नंबर पे जो एप्लीकेशन है इस पर क्लिक किया मैंने। ये देख लीजिए इसका इंटरफेस, इसका लोगो अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, और नाम भी देख लीजिए, फोटो पर शायरी लिखे। बस ये दोस्तों सर्च करोगे तो ये आपको आसानी से जो है प्ले स्टोर में मिल जाएगी। आप चाहे तो वीडियो के टाइटल को टच करके डिस्क्रिप्शन में से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।